तो भाई जिस वीडियो में भाई सस्पेंस बना रहे थे ना भाई, बताना ये वो इंटीरियर था, लो ओनली वन इन इंडिया। हाँ जी भाई, ओनली वन इन इंडिया। हमने इसमें कर दिया ऑडी वाली रूफ। भाई देखो जो ऑडी अपनी गाड़ियों में देती है, ये भाई ब्लैक के अंदर रूफ कराई है, क्योंकि भाई देखो व्हाइट रूफ तो भाई मोका ब्राउन में आती है, मजा नहीं आया भाई। हमने सोचा कुछ अलग करते हैं जो डैशबोर्ड से भाई मैच करे। तो भाई वो पार्ट टू में स्वागत है, हमारे साथ है हिमांशु भाई। हिमांशु भाई जैसे मेरी गाड़ी खोली थी ऐसी बांध दी है ना, पैक कर दिया ना भाई, सारा पैक कर दिया। तो भाई अब मोटा मोटे काम की बात करें तो भाई देखो एक्सटीरियर में तो ऑब्वियसली हम दिखा चुके हैं कि भाई प्रोजेक्टर वगैरह चेंज हुए थे, ऊपर अपना रूफ लाइट वगैरह चेंज हुई थी, और क्या करा सकते हैं हिमांशु भाई इसमें? इसका भी ग्रिल आने में है, ठीक है, हेडलाइट आने में है, बम्पर आने में, समथिंग एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब एक हफ्ते में अपने सारा जो है प्रोजेक्टर तो नॉर्मली जो हम लगाते वही है, ये DRL भी कुछ टाइम में आ जाएगा, ये पियानो किट आ चुका है ये अपना, ठीक है, दो हिंस हमने लगा दिया है, ये पियानो मिरर ऑटो फोल्ड करवा सकते हैं, इसका पियानो का किट भी आता है, रूफ लाइट हमने लगाए थे जो पहले से पहले हम दिखाए थे भाई, पहले आप देख सकते हैं एक्सटीरियर में जो जो काम हुआ था अपने चैनल पर वीडियो आ चुकी है, कई सारे ऑप्शन है जो हमने इससे पहले दिखाया भी था, ये वाला हमने लगाया था, रिफ्लेक्टर हमने इंस्टॉल किया था, अब हमने इसमें किया जो इंटीरियर, हम दिखाते हैं इंटीरियर की तरफ। तो भाई जिस वीडियो में भाई सस्पेंस बना रहे थे ना भाई, बताना ये वो इंटीरियर था, लो ये देखो एक लग्जरी सेगमेंट इंटीरियर हमने इसमें कस्टमाइज किया भाई, ओनली वन ऑन यूट्यूब, ओनली वन इन इंडिया। हाँ जी भाई, ओनली वन इन इंडिया। इसमें जितने भी हमारा ऑफ व्हाइट पार्ट है उसको हमने कर दिया रबर पेंट के अंदर, ठीक है, इसके बाद जो आर्मरेस्ट है डोर के चारों, इसको हमने कर दिया है सॉफ्ट टच, लेदर राइट, और ये टेक्सचर लेदर के साथ है भाई। पेंट वगैरह के अगर किसी को वारंटी वगैरह भाई, कितने साल की गारंटी मिलते हुए अपना रबर पेंट की देखो क्वालिटी, ये देख रहे हो भाई क्वालिटी एकदम अल्टीमेट। तो भाई जितने मेरे भाई ये पूछ रहे थे ना भाई इंटीरियर दिखाओ या इंटीरियर कैसा कराया, तो भाई ये कराया इंटीरियर, ये देखो अभी धीरे धीरे चलेंगे भाई ऊपर अंदर की तरफ। इसके जो प्लेट्स है इसको हमने कर दिया है पियानो ब्लैक, स्पार्कर पियानो रहता है ये देखो, देख सकते हो जैसे दाने दाने दिख रहे हैं इसमें। एमबियंस लाइट हमने K4 इंस्टॉल करे थे इसमें, थार की प्रॉपर वेजिंग के साथ, थार का अपना देख सकते हो वेजिंग के साथ रहता है पीछे डोर में, प्रॉपर वेजिंग के साथ हमने एमबियंस लाइट इंस्टॉल किया था K4 के अंदर, ठीक है। पीछे वाले प्लेट्स भी हमने कर दिया इसमें स्पार्कल, और ये नहीं कि सिर्फ आगे फिनिशिंग है, पीछे भी देख सकते हो फिनिशिंग भाई, फिनिशिंग और फिटमेंट के लिए तो हिमांशु भाई के पास गाड़ी लाए थे, मगर भाई एक नंबर फिटिंग और फिनिशमेंट आती है। हिमांशु भाई एक बार गाड़ी के अंदर बैठो, इंटीरियर दिखाता हूँ आपको दूसरी साइड से क्या क्या रहने वाला है भाई, अपना डैशबोर्ड वगैरह भाई, फिटिंग एक नंबर, ये देखो इधर डोर ट्रिम एम्बिएंट लाइट के साथ बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हिमांशु भाई, हाँ जी, डैशबोर्ड भी जितना भी ऑफ वाइट आता है उसको भी हमने कर दिया है मैंगो कलर के अंदर अपना रबर पेंट, जो ये छोटे वाले पार्ट्स आते हैं जो सिल्वर होता है उसको हमने कर दिया लेदर राइट, और इसमें सॉफ्ट टच है ये देखो सॉफ्ट टच वगैरह, टेक्सचर लेदर रहता है तो फिट एंड फिनिश आपको कितना बेहतरीन मिलने वाला है। K4 AC वेंट, और ये भी हमने कर दिया इसमें स्पार्कल पियानो, ग्रैब हैंडल एयरबैग वाला प्लेट्स भी हमने कर दिया इसमें स्पार्कल पियानो, ठीक है। हाँ जी, तो ये रहता है, बाकी रूफ की अगर बात करें भाई, हमने इसमें कर दिया ऑडी वाली रूफ। भाई देखो जो ऑडी अपनी गाड़ियों में देती है, ये भाई ब्लैक के अंदर रूफ कराई है, क्योंकि भाई देखो व्हाइट रूफ तो भाई मोका ब्राउन में आती है, मजा नहीं आया भाई, हमने सोचा कुछ अलग करते हैं जो डैशबोर्ड से भाई मैच करे। हमने ब्लैक कर दिया है, और इतना ही नहीं जितने भी इसके छोटे छोटे पार्ट्स थे जैसे सनग्लास होल्डर, माइक का कवर, स्पीकर के कवर, मिरर के कवर, ये भी सारा हमने कर दिया है ब्लैक के अंदर, तो एक अलग ही लुक निकल के आ रहा है भाई, ये लग रहा है कि बिल्कुल कंपनी से आई है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आफ्टर मार्केट वाली वो बर्फी कट वाली वो, और जितने भी हमारे पिलर थे ये भी हमने किया है इसमें रबर पेंट, और सीट बेल्ट का, ये सब जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना सब पे हमने ध्यान देते हुए वर्क करा है इस गाड़ी के अंदर, तो ये सब चीज करके दिया। उसके बाद कस्टमाइज सीट कवर हमने इसमें इंस्टॉल किया है, देख सकते हैं फिट एंड फिनिश कितना बेहतरीन आपको मिलने वाला है, थाई सपोर्ट के साथ रहता है ये, और ये देखो कितना स्मूथ है। हिमांशु भाई कौन सा लेदर रहने वाला है? ये अपना टर्किश लेदर रहता है, ठीक है, जो देख सकते हो टेक्सचर कितना बेहतरीन आपको मिलने वाला है, फिट देखो फिनिश देखो बेहतरीन। बाकी हिमांशु भाई जैसे किसी जैसे कि इससे ऊपर जो वेरिएंट आते हैं उनमें रहती है वेंटिलेटेड सीट्स, इसमें नहीं है, तो वेंटिलेटेड सीट्स के लिए का जुगाड़ है ये, अच्छा इसमें वो आ जाएंगे डॉट डॉट आ जाते हैं, ठीक है, वो भी अपना जो है कपड़े में हो जाते हैं भाई, वो कपड़े के हिसाब से रहता है, वो अलग कपड़ा रहता है। AX7L में इंस्टॉल करवाने AX5 में तो उसमें ये अपना छत छेद वाला होता है सीट, वो अलग कपड़ा रहता है उसके लिए। एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर होता है, देख सकते हो यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग भी आपको मिल जाता है, ठीक है, पीछे चेन वगैरह आपको दिखाता हूँ जहाँ से कि एयरबैग, देखो बहुत से भाइयों को नहीं लगता कि खुलते हुए चेन वगैरह, स्पेशल कच्ची सिलाई होती है, सिलाई करके हमने दिया ना, कच्ची सिलाई होती है फट जाता है, क्योंकि भाई एयरबैग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से खुलता है जब खुलता है। हाँ जी,
उसके बाद ओरिजिनल कारपेट हमने इंस्टॉल किया था, जैसे लटकता रहता है ना और गाड़ी में, देखे होगे ये चीज नहीं मिलेगा इसमें। हेडरेस्ट की फिटिंग देखो कितना बेहतरीन आपको मिलने वाला है, और इतना ही नहीं इसके लिए हम जाने जाते हैं, अभी तो दिखाएं एक बार भाई आर्मरेस्ट भाई पीछे वाला, ये देखो इतना स्मूथली निकलता है और इतना ही स्मूथली लग जाता है। नहीं तो अगर कहीं अपना बाहर रहता ना तो ये बैठने पे चुभता है, जैसे ऐसे रहता है तो इसको बैठने पे चुभता है, ये चीज रहता है। लेकिन भाई फिटिंग एक नंबर। बाकी हिमांशु भाई गाड़ी के रिएक्शन, भाई मैं ऑब्वियसली बताऊं तो मैं 3 दिन से भाई ये गाड़ी चला रहा हूं, 70 मैटी फुल ब्लैक के अंदर। भाई मैं 3 दिन पहले ये गाड़ी लेके गया हुआ था कि भाई देखो एक बार चला के देखता हूं फिर रिव्यू वगैरह दूंगा, ऐसा नहीं है कि भाई साथ के साथ वीडियो बनाई साथ के साथ रिव्यू दे दिया। लेकिन भाई हिमांशु भाई कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मैं खुद बताऊँ भाई एक फिटिंग A1 भाई, क्वालिटी गाड़ी की एक नंबर, जो अपना कपड़ा वपड़ा लगाया है, और भाई घर वालों को रिएक्शन भी बेहतरीन भाई, अच्छा इंटर कराया डिसेंट एकदम, ऐसा कुछ नहीं अगली वाला कुछ हुई। इसमें जैसे हम पहले मोका ब्राउन सोच रहे थे तो उसमें क्या होता कि पूरा ही डार्क हो जाता, क्योंकि हम छत भी ब्लैक कर रहे थे, पिलर भी ब्लैक कर रहे थे, तो वो ब्राउन भी ना डार्क के अंदर ही आता है, तो पूरा ब्राउन डार्क हो जाता है अंदर से, तो एक मजा सा नहीं आता, इसलिए हमने इसे ये वाला कलर। ठीक है ये देखो भाई अपना। बाकी हिमांशु भाई सारा काम कराने के लिए कहाँ आना होगा? ऑटो मैजिक कार डेकोर क्रोल बाग 17 पूसा रोड। हिमांशु भाई का नंबर वगैरह स्क्रीन पे चल रहा है, फटाफट हिमांशु भाई से कांटेक्ट कर लो, और जितने मेरे भाई पर्सनल मुझे भाई मैसेज कर रहे थे हिमांशु भाई से कॉल कर लो हिमांशु भाई के नंबर पे, आपको बता देंगे क्या बजट वगैरह रहने वाला है, और भाई अगर कोई दिक्कत हो तो भाई पर्सनल फोन कर लेना डिस्काउंट के लिए। ठीक है हिमांशु भाई? बिल्कुल ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, बाय बाय।